सब्सक्राइब कीजिए सरल घरेलू नुस्खे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरल घरेलू नुस्खे में। दोस्तों, आज मैं आपको माइग्रेन की समस्या से छुटकारा पाने का ऐसा आसान घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूं, जिसके उपयोग से आप माइग्रेन की समस्या से छुटकारा पा जाएंगे। दोस्तों, चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि क्या है ये माइग्रेन की समस्या और किस कारण से होती है। दोस्तों, माइग्रेन की समस्या एक ऐसी समस्या है जिसमें सबसे पहले आपके सिर में दर्द होता है और फिर यही दर्द बढ़ता जाता है और फिर ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है। दोस्तों, सिर दर्द से हर किसी का वास्ता है। ये एक ऐसा रोग है जिसके कई कारण हो सकते हैं। कई बार तो हम बेवजह सिर दर्द का शिकार हो जाते हैं, लेकिन जब सिर दर्द एक गंभीर रूप ले ले जो बार बार लगातार होता रहे, तो इस समस्या को हम माइग्रेन की समस्या कहते हैं। दोस्तों, आमतौर पर इस समस्या में सिर के आधे हिस्से में दर्द होता है और आधे हिस्से में दर्द नहीं होता है। इसे हम हिंदी में अर्धकपारी भी बोलते हैं। यह दर्द घंटों से लेकर 3 दिन तक बना रह सकता है। इसमें सिर दर्द के साथ साथ गैस्ट्रिक, जी मिचलाना व उल्टी जैसी समस्या भी हो सकती है। दोस्तों, माइग्रेन का मुख्य कारण ज्यादा काम करना, सही समय पर भोजन न करना, धूम्रपान करना, हर समय तनाव में रहना, तेज धूप में रहना, तेज गंध वाले परफ्यूम से सिर पर चोट लगने के कारण, आंखों पर ज्यादा थकान पड़ने के कारण, एक्सरसाइज ना करना व हार्मोनिकल परिवर्तन के कारण माइग्रेन की समस्या हो सकती है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको माइग्रेन यानी कि अर्ध कपारी के दर्द की समस्या को दूर करने का असरदार घरेलू नुस्खा बता देता हूँ। दोस्तों, माइग्रेन की समस्या को दूर करने के लिए आपको ले लेना है अदरक का एक छोटा टुकड़ा। अब आप इस टुकड़े को छील लीजिए और फिर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। अब आप एक भगोने में पानी उबाल लीजिए। जब पानी उबलने लगे, तब इन अदरक के टुकड़ों को पानी में डाल दीजिए और फिर 10 से 15 मिनट तक उबलने दीजिए और फिर इसे छानकर इसमें आधा चम्मच शहद या नींबू का रस मिलाकर पीजिए। इससे आप कुछ ही दिनों में माइग्रेन से छुटकारा पा जाएंगे। दोस्तों, यह नुस्खा बहुत ही ज्यादा असरदार व कारगर घरेलू नुस्खा है। अगर आप माइग्रेन की समस्या से पीड़ित है तो आप इस नुस्खे का प्रयोग जरूर करिए, आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। और दोस्तों, अगर आपको इस नुस्खे से रिलेटेड कोई और जानकारी प्राप्त करनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको आज की टिप्स भी बता देता हूँ जो कि माइग्रेन की समस्या को दूर करने में और भी ज्यादा कारगर होगी। बटर में पिसी हुई मिश्री को मिलाकर खाने से भी माइग्रेन की समस्या से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही नए नए घरेलू नुस्खे लेकर के आता रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपसे कल एक और नए घरेलू नुस्खे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।